तहसील आवला क्षेत्र में पुलिस की दबंगरी का मामला सामने आया। बिना किसी जुर्म के दरोगा एक व्यक्ति को धमका रहा है। दरअसल आपको बता दें, मामला आपसी विवाद का था। सैयद अकबर अली ने बताया कि उन्हें चौकी इंचार्ज द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। आरोप है कि उनसे 3,000 रुपये चौकी इंचार्ज ने लिए थे और 20,000 रुपये की मांग कर रहा है। पीड़ित ने बताया, मैंने न्याय पाने के लिए उच्च अधिकारियों से शिकायत की और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा। मेरा नाम है सैयद अकबर अली। क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है, मेरा झगड़ा हो गया था। कल वो चारा जाए मेरे घर पे और मुझे, मैं काम पे से आया एक महीने के बाद, फौरन उठा के ले गया मुझे। बोले तेरी खिलाफ तहरीर दी है। मुझे तहरीर, मैंने कहा किस खिलाफ कागी दी है? बोले एक औरत ने, आजम ने दी, लल्ला ने। तो मैं गया, मैंने कहा दूसरी पार्टी कहाँ है? बोले चुपका बैठ, दूसरी पार्टी का ही है, तेरा इंतजाम करूँगा, तुझे तमंचे में पौनिया में भेजूंगा। पौनी 151 में मेरा चालान कर दिया और 3,000 रुपये मुझे चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह ने ले लिए और कहा अगर किसी से शिकायत करी तो सारे जिंदगी भर के लिए तेरे घर में कोई चीज़ रखवा दे, जेल भेजूंगा। और परेशान कर रहा है, घुड़की देता, सड़क पे मिल जाते हैं, आंखें घुराते हैं जैसे खा जाएंगे। बरेली से बबलू सागर व सूरत सागर की रिपोर्ट। क्षेत्रीय सीओ कार्यालय आंवला में ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बीएस चंदेल जी के नेतृत्व में सीओ आंवला को एक ज्ञापन दिया गया। इसमें कहा गया कि विशारदगंज पुलिस द्वारा एक पत्रकार का आपसी झगड़े की शिकायत करने पर थाने में उत्पीड़न किया गया। थाने के दरोगा नीरज यादव व गजेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यह ज्ञापन दिया गया, जिसमें सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि हम जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, विशारदगंज पुलिस अपनी मनमानी चलाती है, जो शिकायत करता है उसे ही उठा लेते हैं, जैसे उसने शिकायत करके कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। जबकि पुलिस का काम है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर गांव में जाकर उन 4 लोगों से मालूमात करना जो वहां मौजूद थे और उसके बाद कार्रवाई करना। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, यहां तो दलालों से पूछा जाता है कि क्या होना है और क्या नहीं, फिर वैसा ही किया जाता है। इसकी उम्मीद फिलहाल नहीं होनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बी एस चंदेल, जिला मीडिया प्रभारी अवधेश यादव, तहसील उपाध्यक्ष बबलू सागर, जिला कार्यकारिणी सदस्य सूरत सागर नंदकिशोर मौर्य आदि पत्रकार बंधु मौजूद रहे। मैं सद्दाम खान, पत्रकार निशान से। मेरा गांव में एक पड़ोसी से झगड़ा हो गया था जमीन को लेकर, उसके बाद मैंने निशान पुलिस को फोन कर सूचना दी। पुलिस आने के बाद में उल्टा मुझ पे ही लेकर पकड़ के और दूसरे पक्ष को भी लेकर, दूसरे पक्ष से पुलिस को मिलकर पैसे लेके मुझ पर एक पक्ष की दबाव बनाकर समझौता करा दिया। उसके बाद में मुझे इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, सारे रूप से प्रताड़ित किया गया और कहा कि तेरी पत्रिका पर 2 मिनट में हम निकाल देंगे, तो है क्या चीज़, और तेरे और जो साथी पत्रकार है वो हमारे क्या कर लेंगे, तो जेल भेज देंगे, तो झूठे मुकदमे में फंसा के हमेशा तेरी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। आज मैंने अपने और पत्रकार साथियों के साथ मिलकर सीओ आंवला साहब को प्रार्थना पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मुझसे कहा है कि हम जांच कर और जो भी होगा न्याय करेंगे आपके साथ, आश्वासन दिया है उन्होंने। बरेली से बबलू सागर व सूरत सागर की रिपोर्ट।